बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक के ऐसे। तो आज की नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं जब आपका एग्जिट लगा देती हैं या बिला वजह किसी बगैर किसी प्रूफ के बगैर किसी रीज़न के आपका जो लगा देती है एग्जिट लगा देती है। तो एग्जिट लगा देने के बाद क्या होता है कि आपने जितने साल उस कंपनी में काम किया होता है उतने साल का आपको कोई बेनिफिट नहीं देती, बल्कि जिस महीने आपका एग्जिट लगाते हैं उस महीने की सैलरी तक नहीं देती। और कई कई महीनों तक भाइयों को रूम में बैठना पड़ता है और ना ही वो अपने मुल्क जा पाते हैं, क्योंकि अगर उनके पास ख़र्चा नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, टिकट नहीं करवा सकेंगे तो वो कैसे जाएंगे। तो उन भाइयों के लिए अब शायद एक नई अपडेट है, तो सोचा आपके साथ बयान करता चलूं कि वो अपडेट ये है कि जवाहरात की तरफ से अपडेट आई है, सऊदी गज़र ने उसे पोस्ट किया है कि अब वो आदमी जो लोगों का उनकी कंपनी एग्जिट लगा देती है अब वो एग्जिट नहीं लगा पाएगी जब तक आपने जितने साल उस कंपनी में काम किया होता है आपके वाजिबात अदा ना कर दे, आपका जो एंड ऑफ सर्विस है वो अदा ना कर दे, तब तक वो कंपनी एग्जिट नहीं लगा सकती। तो ये अपडेट बहुत अच्छी है भाइयों के लिए, क्योंकि बहुत सी भाइयों के साथ ऐसा हो चुका है उनकी कंपनी ने उनके एग्जिट लगा दी हैं और उनको एक रुपया भी हिसाब नहीं दिया। 10-10 साल उन्होंने कंपनियों में काम किया होता है लेकिन उनको एक रुपया भी उन्होंने नहीं दिया होता। तो ये जवाहरात की तरफ से ट्वीट आई है कि अब कोई भी कंपनी आपको एग्जिट नहीं लगा सकती जब तक आपके जितने साल उसने कंपनी में काम किया होता है आपके वाजबात, आपका बेनिफिट, आपकी हर चीज़ एंड ऑफ सर्विस क्लियर नहीं कर देती, तब तक एग्जिट नहीं लगा सकती। तो ये थी आज की न्यूज़, सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। और इस वीडियो को अगर आप दूसरे भाइयों तक भी शेयर कर देंगे तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।